और भाई साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बताओ ठीक ठाक हो? बस बढ़िया। और मंडी कैसी लगी हुई है? मंडी तो भाई साहब ठीक ठाक है इस बार। ठीक ठाक है हाँ। और अपने घर पे घोड़ी कैसी है? बड़ी वाली हाँ, बड़ी वाली। क्या नाम है? महारानी। महारानी हाँ जी, 69 इंच की। हाँ जी बिल्कुल। पहले भी हमने लोगों को मागी मंडी में वही दिखा रखी है। भाई साहब के पास एक बहुत टॉप और बहुत हाइट दार घोड़ी है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कितनी उम्र हो गई होगी उसकी? वो चार दांत हो गई जी। चार दांत हो गई। आप तो वो 70 से भी ऊपर हो गई भाई साहब। 70 से ऊपर हो गई है। यानी अब की बार लोगों को माघी मंडी में देखने के लिए मिलेगी? पक्का जरूर दिखाएंगे। बस ये कि भगवान सलामत रखे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि क्या है, जो हमारे आज के टाइम में जो अच्छे घोड़ा घोड़ी है उनको पता नहीं क्यों लोगों की नजर लग जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि ऊपर वाला उनको सलामत रखे। बस ऊपर वाले की निगाह सीधी चाहिए। हाँ, बस। तो बाकी का बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है कि मार्केट में अपने आप को प्रूव करेगी। बिल्कुल जी। उसने कोई बच्चा बच्चा थोड़ी दिया अभी तक? बस अभी 1 महीने में बच्चा दे देगी। किस घोड़े से देने वाली है? बाक्सर वाले बड़े घोड़े से। बाक्सर वाले बड़े घोड़े। तो अभी कितने घोड़े घोड़ी लेके आए हो मंडी में? अभी तो मैं भाई साहब 6-7 जनवरी लेकर। 6-7। और घर पे कितने छोड़ के आ गए? घर पर भी है 6 जानवर। 6 जानवर हाँ है। तो अगर ये घोड़ी है ना ये? हाँ जी, पंजारे लगी है जी। बिल्कुल पंजारे लगी हाँ है। तो क्या होगी हाइट में अभी? हाइट में है भाई साहब जी 60 है। 59 से ऊपर है, 60 है पूरी। और बाकी कलर क्या है इसका? संजाफ घोड़ी है। संजाफ है हाँ जी। तो क्या रेट ऑफर कर रहे हो इसका? इसका भाई साहब 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये हाँ। 4 महीने की सुबर है। 4 महीने की सुबर है हाँ। किस घोड़े से? ये हमारे पास है अलवंद घोड़े का बच्चा आकाश। अच्छा, घर पर ही तैयार कर रहे हो क्या? घर पर तैयार किया है बच्चा। तो कितनी उम्र हो गई उसकी? उसकी है भाई साहब 31 मंथ। कितना चला गया आइटम है? 66 से ऊपर है भाई साहब। मेरे को कभी कभार लोग पूछते कि यार भाई साहब हमारे यहाँ पे बच्चा छोटा रहता है, पंजाब में जाके बड़ा हो जाता है, ऐसा क्या खिलाते? भाई साहब हम ना मैं बताता हूँ, हम पहले ही ये देखते हैं बाप कितना बड़ा है और माँ कितनी बड़ी है। इसीलिए बच्चा बढ़ता है। छोटी घोड़ी का भी बच्चे वैसे बनते हैं छोटी घोड़ी के भी, पर उसका खानदान, हम बोलते हैं ना खानदान, तो खानदान तो देखना पड़ता है भाई साहब। भाई कुछ भाई साहब हाइट के लिए एक्स्ट्रा खुराक भी देते हो क्या? नहीं भाई साहब, परमात्मा ही देता है हाइट तो। क्योंकि देखो हाइट में बच्चे खाली पंजाब में जाते, बाकी कहीं नहीं जाते। पंजाब वालों का दिल भी साफ है भाई साहब, दिल से खिलाते हैं। दिल से खिलाते, जितना खुद खाते उतना दिल से घोड़े को खिलाते हैं। उनको ज्यादा खिलाते हैं है ना, उनको ज्यादा, चाहे से एक बार को खुद खाए नहीं खाए। बिल्कुल। सुबह पराठे खाए ना खाए, पर घोड़े को नाश्ता जरूर कराते हैं। उसको तो दूना चौना खिलाना पड़ता है भाई साहब। भाई क्या रेट ऑफर कर रहे हो उसका? 2 लाख रुपए इसका। हाँ जी 2 लाख। ओके। और अगर बात करें इसकी घोड़ी की? जे घोड़ी भाई साहब हमें तो बताया, ये भी सुपर है जी। सुपर है हाँ जी। अपनी है क्या? हाँ हाँ अपनी है, चार दांत है जी। चार दांत है। और कलर क्या है इसका? इसका भाई साहब महुआ कलर है जी। महुआ कलर है। तो इसका क्या रेट ऑफर कर रहे हो? इसका 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। ओके। और ये घोड़ी आपके फ्रेंड की हाँ है? ये इसके डिटेल नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ। और ये बच्ची की बच्चा है? ये बच्ची है जी। बच्ची है। जय उम्र होगी? जय मंगल बच्ची है जी। ये 4.25 महीने की। 4.25 महीने की। अपने घर की है क्या? नहीं, खरीदी हुई है। खरीदी हुई है। तो किस घोड़े की बच्ची है ये? ये वैसे तो दिमाग में था, अब निकल गया, अंबरसर साइड घोड़ा है भाई साहब। अच्छा हाँ। तो बाकी क्या रेट ऑफर कर रहे हो उसका? इसका 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये जी। और ये वाली बच्ची? ये भी बच्ची है, ये काले कांटे की पोती है, तैमूर घोड़े की बच्ची है। अच्छा, तैमूर घोड़े की। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। भाई तैमूर घोड़ा था ये, मोगा वाला वही? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई कितनी उम्र होगी इसकी अभी? इसकी 9 महीने होगी। 9 महीने है। अपने घर की होम ब्रीड है कि खरीद के लाए हो? खरीदी है भाई साहब। इसका क्या रेट ऑफर कर रहे हो? इसका 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपये। बाकी ये बच्ची की मंडी ज्यादा रहती है कि बच्चों की ज्यादा रहती है? अब तो भाई साहब बच्चा बच्चा कर रहे हैं सब। बच्चा बच्चा कर रहे हैं। क्यों, बच्चा ही तैयार करेंगे ये सब? हाँ, बाहर वाले जो यूपी वाले बरेली वाले आए हैं ना, बच्चे नहीं ले रहे? बच्ची बहुत कम ले रहे हैं। बच्चा ले रहे हैं? बच्चा। तो मेरे को लगता है जो मंडी लगने वाली उसमें बच्चों की ज्यादा डिमांड रहती है। बच्चों की ज्यादा डिमांड रहती है। बाकी आप अपने माघी मंडी लगती है जब, तो बच्ची बच्चा सब बिकता है? तब तो भाई साहब कुछ भी नहीं रुकता। तब कुछ भी नहीं रुकता। और आपको वास्तव मेरे को लगता है भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये भी बच्ची है क्या? ये भी बच्ची है। ऊपर उठाना एक बार। नहीं बिल्कुल। ये किस घोड़े की बच्ची है? जे भाई साहब हमें तो बताया है जो इंद्रतुंग वाला पार्स घोड़ा था ना, वो लास्ट बच्ची है उस घोड़े की। ओके। पर कंफर्म नहीं जिससे हमने ली है, वो बोल रहे थे हम लास्ट घोड़ी मिलाकर लाए थे और पिछली माघी पर वो जाते वक्त ही बीमार हो गया था घोड़ा, और लास्ट घोड़ी इसकी माँ पर छूटा था। ओके। और तभी अगले दिन उसकी डेथ हो गई थी। बहुत अच्छा घोड़ा था। मेरे को लगता है कि ऐसे घोड़े कभी कभार बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत अच्छा बिल्कुल। उसको भी बस
नजर ही लगी है भाई, क्योंकि मेरे को लगता है मंडी में इतना अच्छा था, क्योंकि मैंने भी उसका लास्ट वीडियो मंडी में ही बनाया, अच्छा घोड़ा था भाई। इसका क्या रेट ऑफर कर रहे हो भाई साहब? इसका 2 लाख। 2 लाख? हाँ जी। और ये भी बच्ची है? ये भी बच्ची है भाई साहब। इसकी क्या उम्र होगी? इसकी 9 महीने भाई साहब। 9 महीने जी। बाकी इसका एटीट्यूड अच्छा है ना? बहुत अच्छी बच्ची है भाई साहब। इसका क्या रेट ऑफर कर रहे हो? इसका 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। इसकी गर्दन और कान मारवाड़ी है। किस घोड़े की बच्ची है ये? ये हंस घोड़े की है, समुंदर की पोती है भाई साहब। समुंदर की पोती है। बाकी अभी आपके नुकरों में कौन कौन से घोड़े पंजाब में इनकी बच्चे प्रोड्यूस करने में टॉप पे चल रहे हैं? सबसे बड़ा, सबसे अच्छा घोड़ा आप एक नंबर पर समुंदर घोड़ा भाई। समुंदर। और दूसरे नंबर पे देखो तो भाई वैसे सभी घोड़े अच्छे हैं, कोई भी नहीं माड़ा घोड़ा। अब कोई माड़ा घोड़ा है नहीं। पर देखो आजकल हर आदमी अच्छा माल रखना चाह रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पर रिजल्ट सबसे मेन डिजर्व करता है कि किस घोड़े का अच्छा है। भाई साहब पंजाब में जो बच्चे उसके चल रहे हैं, सिर्फ समुंदर के चल रहे हैं। अब जो देखो वही समुंदर का बच्चा है। तो नुकरों का भी थोड़ी डीएनए हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। नुकरों का, समुंदर का भी हो गया भाई साहब। हो गया समुंदर का। तो चलो अब फर्जीवाड़ा थोड़ा सा रुक जाएगा नुकरों में। बिल्कुल जी बिल्कुल, चाहिए, होना चाहिए था, होना चाहिए ना। क्योंकि पहले तो मंडी में मेरे को लगे हर बच्चा समुंदर का है। पहले तो हर मंडी, सारी मंडी समुंदर की होती थी। समुंदर की होती थी। अब नहीं हुआ करेगी। अब डीएनए हो गया भाई साहब, अब लोग झिझकने लग जाएंगे झूठ मारने से। बिल्कुल, जो होगा वही बताएंगे। आपको तो पता लग जाता होगा नुकरे में, जैसे हमको तो हर सफेद घोड़ा बच्चा बच्ची खाली सफेद ही लगता। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको तो मार्किंग से पता लग जाता होगा लगभग किसका है। पहले ही बता देता भी ये समुंदर का बच्चा, क्योंकि उसकी मजबूती अलग ही आती है भाई समुंदर की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके भाई साहब, थैंक यू। बाकी हम यही उम्मीद करेंगे कि आपकी महारानी घोड़ी हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छी रहे और आपका नाम रोशन करती रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या है भाई साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है भाई साहब 8427712033। और अपने फार्म का क्या नाम है भाई साहब? बरार स्टड फार्म। बरार स्टड फार्म। और मुक्सर में ही पड़ता है अपना? जिला श्री मुक्सर साहिब, विलेज हरी के कला। हरी के कला जी सर। ओके थैंक यू भाई। ओके जी।